नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। मुंडावर उपखंड क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर लोगों ने आक्रोश जताते हुए ग्रामीणों ने पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया। मुंडावर थाना क्षेत्र के मुंडनवाड़ा कला मोड़ पर बीती रात को 3 दुकानों के ताले चोरों ने तोड़ दिए थे, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने आज पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नियमित गश्त नहीं होने से अपराधियों में पुलिस का भय खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र में कहीं फायरिंग, कहीं पर लूटपाट सहित लगातार चोरियां ग्राफ बढ़ता जा रहा है। विगत दिनों पूर्व बास्ती में हुई 2 बार फायरिंग, मुंडनवाड़ा में 3 दुकानों में चोरी सहित गाड़ियां, लोहारों ने आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि में परेशान किए जाने को लेकर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने असंतोष जताते हुए थाना परिसर में धरना प्रदर्शन दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलवाकर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने थानाधिकारी को भी खरी खोटी सुनाते हुए आमजन की सुरक्षा करने में असफल कहा। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व सरपंच संघ अध्यक्ष मामचंद चौधरी, सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने किया। ग्रामीणों ने थानाधिकारी को रात्रि गश्त बढ़ाने एवं असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई कर धरपकड़ की मांग की। ग्रामीणों की मांग पर थानाधिकारी ने शीघ्र ही चोरियों का खुलासा करने एवं रात्रि गश्त बढ़ाने एवं असामाजिक तत्वों की समय पर सूचना देने में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर मौजूद रहे। आज तक उसकी कुछ भी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई। एक वहाँ एक पंडित जी थे मुनोड़ मोड़ पे, उनको दिन दोपहर में मारपीट करके उनका सब कुछ हाथ पैर तोड़ के, उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। सराय में पिछले समय घटनाएं हुई, अभी मुंडावाड़ा बोर्ड पे 7 तारीख 6 तारीख की रात हुआ, 7 तारीख को योजना दी गई, 6 से और आज 12 तारीख तक आज तक इधर कोई प्रोग्रेस नहीं। एसआई साहब को हमने फोन भी किया, इनका ही फोन आया था कल भी, उन्होंने 4-5 बजे कुछ बताना आप लोगों ने क्या किया, अभी तक किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं मिला। तो सीधा सा यह है कि जो पुलिस प्रशासन विशेषकर इस रोड के ऊपर आए दिन जो पास अजर का रोड पे आए दिन लूट, डकैती, हत्याएं, मर्डर की जो घटनाएं होती थी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। यहाँ से व्यापारी लोग सब थाने पे आए हैं कि हम लोगों में जो भय है कि आम जन में विश्वास पैदा करें और आरोपियों को जल्द से जल्द करें गिरफ्तार। 7 दिन का समय दिया गया है, एसएसओ की टीम गठित हुई है, अगर 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर से मजबूरन होकर सब व्यापारियों को, जनता को रोड पे आना।